माय नेम इज नीरज भारद्वाज और आज हम 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। बेसिकली जो साइंस सब्जेक्ट है उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। जो 16 चैप्टर्स हैं हमारे 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट में, उनको इन्हीं तीन कैटेगरी के अंडर रखा गया है। हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो कि केमिस्ट्री सेक्शन के अंडर आता है। ये बेसिक चैप्टर है, अगर हमें इस चैप्टर की अच्छे से नॉलेज हो जाएगी स्टूडेंट, तो हमें बाकी के जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उनमें ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ जितने भी हमारे चैप्टर्स आगे आने वाले हैं उनमें केमिकल रिएक्शंस ही हैं, तो वो इन केमिकल रिएक्शंस के साथ रिलेटेड हैं या वही केमिकल रिएक्शंस हैं, सो हमें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इनमें वर्ड्स की बात करें, तो ये वर्ड्स से ही हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि चैप्टर में क्या आने वाला है। जैसे कि केमिकल रिएक्शंस में फर्स्ट वर्ड है केमिकल। केमिकल का मतलब क्या होता है? एनी सब्सटेंस, मटेरियल और एलिमेंट विच टेक पार्ट्स इन द केमिकल रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज केमिकल। तो आप देखिए केमिस्ट्री की लैंग्वेज में वाटर को भी एक केमिकल कंसीडर किया जाता है, जो हम अपने डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं। सो वाटर इज आल्सो कंसीडर्ड एज केमिकल। सो एवरीथिंग व्हिच इज अंडरगोज एनी केमिकल चेंज इज कंसीडर्ड एज अ केमिकल रिएक्शन। इफ एनी सब्सटेंस और मटेरियल और टू और मोर मटेरियल्स और सब्सटेंस कंबाइनिंग टुगेदर, रिएक्टिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज कंसीडर्ड एज केमिकल रिएक्शन। तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। अगर हम बात करें इक्वेशंस की, तो केमिकल रिएक्शन को वी हैव टू रिप्रेजेंट इट ऑन अ रिटन फॉर्म। सो रिप्रेजेंटेशन में जो हम सिंबल्स यूज करते हैं, राइटिंग फॉर्मेशन यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें स्टूडेंट्स, कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं, तो हमारी डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में टी प्रिपरेशन करते हैं, या फिर हम फूड कुक करते हैं और ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड जिसमें अल्कोहल फॉर्मेशन होती है, तो ये सारी केमिकल रिएक्शंस ही हैं। हमारी अपनी लाइफ, हमारी बॉडी के अंदर ही इस टाइम भी हजारों केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, पर अगर ये केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगी सो लाइफ इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट द केमिकल रिएक्शंस। बेसिकली अगर हम फूड की बात करें, तो अगर हम प्लांट से फूड लेते हैं, तो वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शंस के कारण ही फूड जो है ग्रो कर पाता है। सो केमिकल रिएक्शंस इज ऑल ओवर द नॉट इन द वर्ल्ड इन द यूनिवर्स, जिसके कारण लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो केमिकल चेंज हम उसी को बोलेंगे जब कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है प्रीवियस वन से, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके जो मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन होता है वो रिएक्टेंट से अगर डिफरेंट होगा, तो हम उसको बोलेंगे केमिकल चेंज, मतलब वहाँ पे केमिकल चेंज हो गया, और इस प्रोसेस को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। भी केमिकल रिएक्शन हो गया, प्रोसेस हो गया केमिकल रिएक्शन, और हुआ क्या, केमिकल चेंज हुआ, एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है जिसकी खुद की अपनी न्यू प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल और फिजिकल। सो मोर ओवर अगर हम एक उसकी बात करें, एग्जांपल की बात करें, तो सिंपल एग्जांपल केमिकल रिएक्शन से हमने पहले जैसे कि अपने डेली लाइफ से की एग्जांपल्स की बात की है, उसके बाद अगर हम पर्टिकुलर केमिस्ट्री लेवल पे आ जाएं, तो मैग्नीशियम रिबन है, एक मैग्नीशियम रिबन स्टिक टाइप होती है, अगर हम उसको बर्न करें, थोड़ी फ्लेक्सिबल भी होती है वो, उसको हम हाथ से भी ब्रेक कर सकते हैं उसको। तो अगर हम मैग्नीशियम रिबन है, देखिए यहाँ पे बर्नर है, बर्नर के पास हमने इसे मैग्नीशियम को होल्ड किया हुआ है, और इसको हम अगर बर्न करते हैं, तो जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है दैट रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ द इंटेंस हीट एंड इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू अ न्यू सब्सटेंस, और उस न्यू सब्सटेंस का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। उस न्यू सब्सटेंस का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो वाइट पाउडर में होता है। तो इसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चंस भी आते हैं कि एक केमिकल एक्स है या कोई मेटल एक्स है, जिसकी रिबन को हम अगर बर्न करते हैं, तो उसमें से एक वाइटिश कंपाउंड फॉर्म होता है, और उसमें उसका क्वेश्चन आता है कि वो मटेरियल क्या है, वो मेटल कौन सा है, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसका कलर क्या है, जैसे यहाँ पे वाइटिश कलर का वाइट पाउडर फॉर्म होता है, और उस कंपाउंड का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से इन्हीं जो थ्योरी दी हुई थ्योरी में से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में।
उसके अलावा और भी जैसे कई हमारे पास केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, जैसे लेड नाइट्रेट को हम पोटेशियम हाइड्राइड के साथ मिक्स करते हैं तो ऑब्जर्वेशन में क्या आता है, जिंक ग्रैन्यूल्स, जो जिंक के ग्रैन्यूल्स में छोटे छोटे पीसेस, जो छोटे छोटे पीसेस को अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो स्टूडेंट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं केमिस्ट्री में, इसलिए डाइल्यूट देयर विल बी अ वेरी लेस चांस कि कहीं पे भी कंसंट्रेटेड एसिड यूज किया होगा, तो ज्यादातर केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे वहाँ पे डाइल्यूट ही यूज किया होगा, कि डाइल्यूट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा होती है या सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा होती है वो कम होती है, सॉल्वेंट जो यूज करते हैं जैसे कि वाटर उसकी अमाउंट ज्यादा होती है, उसको हम जिसमें स्ट्रेंथ कम हो एसिड की उसको हम डाइल्यूटेड एसिड बोलते हैं। सो इसको जैसे कि अगर हम जिंक ग्रैन्यूल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, जिंक जो है हमें पता है कि जितने भी एसिड्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, तो उसमें से हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व, जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन द जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक के पीसेस और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में, तो हर एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है और व्हेन इट रिएक्ट्स विद मेटल लाइक जिंक सो हाइड्रोजन गैसेस, इट इज सेड दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, फॉर एग्जांपल आल्सो द चेंज इन स्टेट, हमें पता है मैटर की तीन स्टेट इंपॉर्टेंट होती हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस, अगर किसी प्रोसेस में प्रोडक्ट्स का स्टेट चेंज हो रहा है उनमें सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं या लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स द न्यू सब्सटेंस हैज फॉर्म्ड, तो उसको हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अगर चेंज इन कलर, कलर में चेंज आता है आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, तो वो भी एक इंडिकेटर है दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। फैक्टर, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन प्रोसेस के दौरान अगर चेंज इन टेम्परेचर हुआ दैट मीन्स न्यू सब्सटेंस हैज फॉर्म्ड, न्यू प्रोडक्ट हैज फॉर्म, तो उसको भी हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे, केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। सो दीज ऑल थिंग्स हम अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते रहते हैं केमिकल रिएक्शन, तो मेन थिंग इज दैट कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट, ओके नाउ वी हैव ऑब्जर्व्ड इट, बट हाउ आई कैन एक्सप्लेन यू, हाउ कैन आई टेल यू, अगर मैं एक साइंटिस्ट हूँ, अगर मुझे आपको बताना है कि केमिकल रिएक्शन को कैसे होते हैं तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो साइंटिस्ट हैज कम अक्रॉस अ वेरी गुड मेथड इन विच we write down the things which are used during the chemical reaction. So इसमें क्या होता है, the left hand side हम लिखते हैं अपने reactants को, reactants are those material or substances which takes part in the chemical reaction. For example, when we want magnesium, so at that time two main components were present or two main materials were present, that is the magnesium and oxygen. Here arrow is pointed toward the product, that means a new substance has formed. So यहाँ पे जो product होता है, then after the chemical reaction जो नया substance form होता है, नया material form होता है, उसको हम product बोलते हैं. So new substance is formed in the form of magnesium oxide. That means first it was separately they were separate from each other, अब वो combine हो चुकी है and they have formed a single product that is the magnesium oxide. तो इसे लिखने का तो एक तो ये तरीका है, हम मैग्नीशियम का फुल नेम लिखें प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड और फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, बट हम जैसे जनरली देखते हैं कई लोगों के नाम बहुत लंबे होते हैं, जैसे साउथ इंडियन साइड देखें तो लोगों के नाम बहुत लंबे होते हैं, तो क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म में अपने नाम लिखते हैं, जैसे SS श्रीनिवासन आपने शायद ये नाम सुना होगा, तो इस तरह से वो अपने नेम का शॉर्ट फॉर्म रखते हैं। सो सेम IUPAC ऑल्सो द इंटरनेशनल यूनिट है जो केमिकल के जितने भी रेगुलेशन है रूल्स है वो बनाती है, सो दे हैव फॉर्म रूल्स टू राइट अ केमिकल इक्वेशन इन विच जितने भी हमारे पास कंपाउंड होंगे एलिमेंट होंगे या सब्सटेंस होंगे उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा जिनको हम बोलते हैं सिम्बल्स, उनको हम बोलते हैं केमिकल सिम्बल्स। तो जैसे मैग्नीशियम है ऑक्सीजन है ये एलिमेंट्स है, तो इनका जो एक फिक्स सिंबल कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है सिंबल, और जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं Mg और ऑक्सीजन को लिखते हैं O। सो केमिकल इक्वेशन के टाइम पे वी डू नॉट फॉलो जनरली फुल नेम, वी जनरली फॉलो द सिंबल्स ऑफ दैट मटेरियल, मोस्ट मटेरियल का सिंबल फॉलो करते हैं एंड दैट इज द राइट वे टू राइट अ केमिकल इक्वेशन।
इसमें क्या आते हैं हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट हैंड साइड जो एरो के होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। सो इसको हम रीड अप कैसे करते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड।